स्वागत है एक बार फिर से आपका। और फर्टिलाइजर कंपनी जीएसएफसी के नतीजे कमज़ोर रहे थोड़े से। पहली तिमाही में कंपनी की आमदनी 5% बढ़ी, लेकिन मुनाफा 22% घटा। कंपनी के मार्जिन भी 7% से घटकर 5% पर आ गए हैं। क्यों हुआ ऐसा, इसको समझने के लिए बातचीत करेंगे कंपनी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस और CFO SK वाजपेयी से। वाजपेयी सर नमस्कार, ये बताइए कि नंबर थोड़े से वीक दिख रहे सर, क्या रीज़न क्या था? रीजन सिंपल है बहुत, क्योंकि बाई बेसिस पे देखेंगे तो सब्सिडी के रेट जो थे बहुत अच्छे थे अप्रैल से जून क्वार्टर लास्ट ईयर। उसके बाद अक्टूबर 23 में करीब 30 से लेके 85% तक सब्सिडी रेट कट किए गवर्नमेंट ने, जबकि रॉ मटेरियल प्राइसेस उस अनुपात में नहीं घटे। इसलिए ये थोड़ा सा मार्जिन में हमको हिट हुआ है। बाकी हमने 2-3 स्टेप लिए हैं कंपनी की तरफ से कि जिन फर्टिलाइजर्स पे बहुत लॉस हो रहा था उनको हमने थोड़ा डाइवर्ट करके DAP की जगह अभी APS और NP के फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस करना शुरू किया है, जिससे कि हमको 118 करोड़ का PVT इस क्वार्टर में दिखाई पड़ा। जी तो वाजपेयी जी, ये जो सरकार की तरफ से मूव हुआ तो एक डिपेंडेंसी तो है, ये तो ये क्यों किया सरकार ने कम? क्या ये आने वाले क्वार्टर्स में भी ऐसे ही ऊपर नीचे होगा? नहीं, सब्सिडी तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसके लिए। बेसिक फैक्टर तो यही इंपोर्टेड रॉ मटेरियल कितना है और सरकार का बजट कितना है। करंट ईयर के बजट में थोड़ा सा कम बजट प्रोवाइड किया गया फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए, क्योंकि जितना ज्यादा बजट होता है जनरली रॉ मटेरियल के प्राइसेस उसी अनुपात में फॉरेन सप्लायर्स बढ़ा देते हैं। इसलिए गवर्नमेंट को भी देखना पड़ता है कि वो भी चेक रखे। तो रॉ मटेरियल के प्राइसेस अभी स्टेबल है, फास्फोरिक एसिड के करीब $850 पर मीट्रिक टन काफी दिनों से सेम प्राइस पे ट्रेंड कर रहे हैं। लेकिन DAP में चूंकि फास्फोरिक एसिड ज्यादा यूज होता है, इसलिए DAP में अभी कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस है। इसलिए हम दूसरे प्रोडक्ट में APS अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट और NP के ग्रेड्स, अलग अलग ग्रेड्स कंपनियां बना रही हैं और उसको मार्केट में उतार रही हैं। जी वाजपेयी जी, निवेशकों की नज़र एक चीज़ और पे होती है कि जून 21 क्वार्टर से अगर हम देखें तो अब तक जो है मार्जिन आपका बहुत श्रिंक होकर वो 4-5% की रेंज में आ रहा है। ये थोड़ी चिंता की बात होनी चाहिए, लगातार डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में है। या फर्टिलाइजर सेक्टर में ज़्यादा मार्जिन रहते नहीं है हिस्टोरिकली इफ यू सी, लेकिन अभी साथ में जो हम दूसरा सेगमेंट है हमारा IP सेगमेंट, तो वो भी बहुत स्लगिस मार्केट चल रहा है अभी IP का। कैप्रोलैक्टम बेंजीन का स्प्रेड देखेंगे जो $730 था बाई बेसिस पे, अभी घट के $582 पर मीट्रिक टन रह गया है। लेकिन कंपनी उसमें हम लोग दूसरे प्लांट लगा रहे हैं, जैसे कि कैप्रोलैक्टम के डेरिवेटिव्स वगैरह यूज करके नए प्रोडक्ट बनाए। जैसे HX सल्फेट प्लांट हमारा जो लग रहा है उसमें नए सितंबर महीने से उसमें प्रोडक्शन चालू हो जाएगा, तो उसमें प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा अच्छी है, जिससे कि कंपनी के ओवरऑल मार्जिन्स भी अच्छे होंगे। जी ओके वाजपेयी सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और नतीजों पर बातचीत करने के लिए। तो ये था GSFC के प्रबंधन से बातचीत, और क्यों नतीजे कमज़ोर थे वो उन्होंने बताया कि सब्सिडी का इशू था, इस वजह से दिक्कत आई, लेकिन वो उसको सब्साइड करने की कोशिश कर रहे हैं। GSFC इस वक्त ₹226 पे ट्रेड कर रहा है। छोटा सा एक ब्रेक, उसके बाद मार्केट अपडेट।